गाइज ये है मरकरी मेटल यानी कि पारा धातु, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस मेटल होता है और रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। देखो ये किस तरीके से जो है लिक्विड की तरह बिहेव करता है। देखना इसको मैं इस बर्तन में डालता हूँ तो देखो ये मेटल है, प्योर मेटल है, लेकिन ये जो है लिक्विड स्टेट में होता है। और गाइज ये जो है गोल्ड के साथ में बड़ी ही खतरनाक रिएक्शन करता है, अमलगम बनाता है। खतरनाक कुछ ऐसे है कि जो गोल्ड है उसको ये तुरंत ही खा जाता है। हमने गोल्ड फॉइल को मरकरी में डाला था तो गोल्ड फॉइल है उसका नामो निशान नहीं बचा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भैया गोल्ड फॉइल बहुत ज़्यादा पतली होती है तो अगर हम इसमें असली सोने की कोई चीज़ डाले, वो भी असली सोना ही था प्योर, लेकिन वो फॉइल थी, अगर हम इसमें सॉलिड गोल्ड डाले तो क्या होगा। तो आज हम इसमें डालने वाले हैं गोल्ड कॉइन और गोल्ड की शीट, असली सोने की 24 कैरेट यानी कि प्योर, जो कि हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में एक गोल्ड कॉइन है, एक हमारे पास में यार बहुत महंगा है सोना ये है दोस्तों 1 ग्राम सोने का सिक्का, और अच्छा रहा कि ये मरकरी में नहीं गिरा। ये है 1 ग्राम 100% प्योर सोने का सिक्का, 99.9% प्योरिटी है इसकी, 99.99%, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% प्योर है। और साथ ही साथ में हमारे पास में एक 0.5 ग्राम का इस तरीके का सोने का टुकड़ा भी है, आप इसको छोटा बिस्किट भी कह सकते हैं। 1.5 ग्राम सोना है, देखते हैं कि किस तरीके की रिएक्शन करता है मरकरी के साथ में, तो फटाफट से शुरू करते हैं। एंड जो मरकरी मेटल है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है अपने हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को ट्राई ना करें। गाइज ये जो गोल्ड कॉइन है ये MMTC PMP के द्वारा सर्टिफाइड है, 99.99% यानी कि एकदम प्योर गोल्ड है ये पूरा जो कॉइन है। 1 ग्राम इसका वजन है, थिकनेस थोड़ी कमी है क्योंकि यार 1 ग्राम आप समझ सकते हो इतने से स्पेस में आना, और ये है 0.5 ग्राम का, ये जो है ये भी एकदम प्योर गोल्ड है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे रिएक्शन करता है। और यार आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो हम जो मरकरी साथ में डील कर रहे थे तो छोटे मोटे बहुत छोटी ड्रॉपलेट इसके ऊपर लग गई और ऑलरेडी ये जो है वाइट हिस्सा हो गया है। आप ये मत समझना कि जो वाइट वाइट सा दिख रहा है इसका रीज़न है कि ये जो है कोई ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है, इस पर मरकरी टच हो गई, हमारे हैंड्स पे से हो गई, पता नहीं कहाँ से टच हो गई, और इसने जो मरकरी को ख़राब करना, इसने गोल्ड को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इनको रखते हैं साइड में और पहले तो आपको मरकरी दिखाते हैं। दोस्तों ये है मरकरी मेटल, देखो इसके अंदर है ये, और ये इसके ढक्कन में उलझ गया काफ़ी सारा, और मैंने जो ग्लव्स पहने तो इसमें मैं इसको डाल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं। देखो जो मरकरी है वो लिक्विड मेटल होता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है। गाइस जो मरकरी मेटल होता है इसकी डेंसिटी 13 ग्राम पर CC से भी ज़्यादा होती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है नॉर्मल चीज़ों से, इतना सा है लेकिन इसका वेट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है, ये भी काफ़ी महंगा आता है। लेकिन यार गोल्ड जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो भाई काफ़ी खर्चा भी होगा, गोल्ड ख़त्म हो जाने वाला मुझे पता है। मैं एक मेटलर्जिस्ट भी हूँ, मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech करी हुई है, तो मुझे पता है इसमें जाने के बाद ख़राब तो हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता और वो दिखाने के लिए सोना डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के लिए लाइक का बटन तो ठोक दो यार। तो यहाँ पर मैं इसको डाल रहा हूँ इस प्लेट के अंदर, यहाँ पर देखो मरकरी जो लिक्विड है वो इसमें आ गया है। यहाँ पर हमारे पास में 2 टुकड़े, आपको पता है ये 1 ग्राम का है या 0.5 ग्राम का है, तो शुरुआत करेंगे हम 0.5 ग्राम वाले इस बिस्किट के साथ में, और मैं इसको जस्ट किनारे से टच करूंगा और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ ये मरकरी के टच में आ चुका है, ये मेरे से छूट गया और इसमें पूरा गिर गया। तो गाइस इसके काम करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। और आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो पीस है ये गोल्ड के ऊपर, ये जो है मरकरी के ऊपर तैर रहा है, जो गोल्ड है जो सोना है वो मरकरी के ऊपर तैर रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मरकरी है उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब जो सोना होता है वो अपने आप में बहुत भारी होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन जो मरकरी है उसके ऊपर ये तैर रहा है कंटिन्यू, देखो। और अब जो है इसका कलर काफ़ी बिगड़ सा चुका है, आपको एक बार मैं इसको निकाल करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ओहो, यहाँ पर आप लोग देखो कि जो इसकी सरफेस है वो ख़राब हो चुकी है, और ये जो है दोस्तों अब इस पे से हट नहीं रहा है। देखो जो मरकरी है वो गोल्ड पे से नहीं हट रहा, और जो सरफेस है वो परमानेंटली इसकी ख़राब हो चुकी है, इवन अगर मैं इसको ऐसे रख भी दूंगा ना तो भी अब ये ख़राब ही होना है।
गोल्ड और मरकरी मिलकर के अमलगम बनाते हैं, तो अमलगम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन फॉइल की तरह एकदम से नहीं हुआ। तो गाइज ये जो टुकड़ा है ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से गोल्ड के मरकरी के ऊपर तैर रहा है, लेकिन जैसे फॉइल एकदम से ख़राब हुई थी ना, ये वैसे ख़राब नहीं हो पाया है, मतलब कि टाइम ले रहा है अमलगम बनाने में। तो इस बार यहाँ पर मेरे पास में है ये पूरा 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का, और अब मैं इसको इसमें डालने जा रहा हूँ। जो आधा ग्राम है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, और भैया 1 ग्राम सोना मैं इसमें डुबाने वाला हूँ और देखते हैं क्या होता है। इसकी थिकनेस जो है वो 1 ग्राम वाले से भी थोड़ी कमी है, इसकी जो मोटाई है, तो मैं इसको डालता हूँ इसमें। आधा डुबाया मैंने। तो गाइज अब जो है आप लोग देख सकते हो कि जो गोल्ड कॉइन है वो आधा मरकरी के कलर का हो गया, देखो एक बार। और आप लोग देखो कि जो कॉइन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम फाइन गोल्ड, लेकिन जिसका कलर है वो अब गोल्डन ना रह के सिल्वर हो गया है मरकरी की वजह से, क्योंकि इस हिस्से पर मरकरी ने रिएक्शन कर ली है, क्योंकि हमने इसको आधा डुबाया है। आधा जो गोल्ड है वो आपको दिख ही रहा है, दूसरे साइड में भी ऐसा ही कुछ इसका हाल है, देखो। और अब ये जो है धीरे धीरे जो गोल्ड है उससे रिएक्शन किए जा रहा है, अमलगम बनाए जा रहा है और ख़राब हुए जा रहा है। और जो सिक्का है ना वो अब चांदी का सिक्का लगने लग गया या स्टील का लगने लग गया सोने की जगह। तो अब एक काम करते हैं, इसको पूरा ही इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये गया, मैं इसको दबा देता हूँ। ये लो भाई जो गोल्ड है वो भाई हमने पूरा जो है मरकरी में डाल दिया है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये है आधा ग्राम वाला, और भाई अगर देखें सिक्के का हाल तो यहाँ पर जो सिक्का है अब वो कहीं से भी गोल्ड कॉइन नहीं रहा है। आप लोग देखो कि ये जो है पूरा सिल्वर हो गया, देखो पूरा सिल्वर कलर, ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के पूरा का पूरा जो सरफेस है वो सिल्वर हो गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन यार मरकरी देखो इससे ऐसे चिपक गया है जैसे इसी का पार्ट हो। अब मैंने थोड़ा सा हटाया, आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम फाइन गोल्ड 99.9, लेकिन अब ये जो है भैया प्योर नहीं रहा है, ये मरकरी से रिएक्ट कर चुका है और ख़राब हो चुका है। तो इसको इसमें डाल देते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इसको लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और अब आप लोग देखो कि जो पूरा सिक्का है वो यहाँ पर सिल्वर कलर का हो गया है दोनों साइड से, कहीं से भी गोल्ड इसमें नज़र नहीं आ रहा। और जो हमारा आधा ग्राम का टुकड़ा था जो कि प्योर गोल्ड का था, उसका भी यही हाल है। और हमने खूब कोशिश कर ली, लेकिन इसमें जो है गोल्ड नज़र ही अब नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो डिज़ाइन है वो ऐसे कैसे दिख रहा है, और इस साइड में जो 1 ग्राम गोल्ड लिखा हुआ था वो भी ऐसे की ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। तो भैया यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो साबित ये होता है कि जो गोल्ड है वो मरकरी साथ में रिएक्शन करता है, हमने फॉइल को डाला था तुरंत खा गया था, लेकिन अगर हम सॉलिड गोल्ड को डालते हैं तो उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता, यानी कि सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन करता है, अंदर से गोल्ड को इतना जल्दी ख़राब नहीं करता। आप देख सकते हो 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है, लेकिन जो सिक्का है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ हम इसको मरकरी में डाल करके रात भर के लिए छोड़ देते हैं, सुबह देखेंगे कि गोल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज आज हो चुका है अगला दिन, और यहाँ पर इस डब्बी के अंदर बंद है सारा राज कि क्या हुआ है। तो इसको आपके सामने यहाँ पर खोलते हैं और डालते हैं वापस से इस प्लेट के अंदर। और अब देखते हैं कि भैया इसके अंदर क्वाइन है कि नहीं है, इसमें जो सिक्का है वो गल गया है या नहीं गला है। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे अभी तक, अरे हैं ये कॉइन है क्या गाइस? देखो मरकरी की ये बूंद की तरह लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि इसके अंदर बिल्कुल, ये देखो भैया जो कॉइन है वो इसके अंदर अभी भी ओहो रखा हुआ है, 1 दिन हो गया है, लेकिन जो कॉइन है वो भाई साहब ख़राब नहीं हुआ है। देखो अरे यार इसकी जो पूरी की पूरी जो सरफेस है वो देखो किस तरीके से शाइनी हो गई है, एकदम सिल्वर कलर की हो गई है मरकरी की वजह से। थोड़ा सा मरकरी में और इसमें झाड़ लेता हूँ, और अब आप लोग देखो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना इवन वो भी भाई दिख रहा है, अरे यार। और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर भी जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर ख़राब तक नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें जो हमारा आधा ग्राम वाला था उसको भी ढूंढते हैं। ये है आई थिंक, ये है, हाँ बिल्कुल। तो गाइज़ ये है हमारा आधा ग्राम का गोल्ड का यानी कि सोने का टुकड़ा, और ये है हमारा 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन। आप लोग देख सकते हो कि दोनों जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर किस तरीके से
सिल्वर कलर की हो गई है मरकरी से रिएक्शन करके, लेकिन जिस तरीके से जो गोल्ड फॉइल थी वो सोने में डालते ही खत्म हो गई थी, उसमें घुल गई थी, अमलगम बन गया था, वैसा यहां पर नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी ये जो गोल्ड है ये हो चुका है खराब, क्योंकि ये काम का नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारा मरकरी लगा है, यानी कि जो मरकरी है वो गोल्ड की सरफेस पे तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, तुरंत से इसकी जो सरफेस है उसको खा जाता है और वहां पर देखो मरकरी जमा हो जाता है, लेकिन अंदर मरकरी नहीं घुस पाया। मान लो कि भाई थोड़े बहुत टाइम की बात होती है, मान लेते यार 10-20 मिनट हमने छोड़ा, धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहां पर सफिशियंट टाइम दिया हमने, लगभग इसको 20 घंटे दिए हैं और तब जा करके भी जो शेप है उसकी वैसे की वैसे है, डिजाइन तक दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यह साबित ये होता है कि भाई अगर हम बहुत पतली लेयर गोल्ड की डालते हैं जिससे कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तब जा करके जो गोल्ड का क्वाइन है, सॉरी जो गोल्ड है वो खराब हो जाता है मरकरी में डालने के बाद में, लेकिन जब हम गोल्ड क्वाइन डालते हैं यानी कि सॉलिड गोल्ड डालते हैं तब ये जो है खराब नहीं होता है। ठीक है, हमारा सिक्का तो हो चुका है वैसे खराब, लेकिन खराब नहीं होने का मतलब ये है कि जो पूरा क्वाइन है वो खत्म नहीं हुआ है, कुल मिला के अभी इसके ऊपर पूरा मरकरी लगा हुआ है। और भाई आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लिक्विड मरकरी होता है वो काफ़ी डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो इसकी मेटालिक फॉर्म है वो थोड़ी सी कम टॉक्सिक होती है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी ज़्यादा इसमें सावधानी रखनी चाहिए। तो अब जो सिक्के विक्के हैं वो फिर से इसमें जा चुके हैं, तो भाई आपको समझ में आ ही चुका है कि क्या होता है। आप अपना गोल्ड प्लीज़ कभी भी मरकरी में मत डालना, अगर आप डालेंगे तो तुरंत से उसका ये हाल हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो भाई इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए। डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।